हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर टेक महिंद्रा का एलिवेट का जो 3 का जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस था फ्रेंड, उसमें आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे सर के फॉर्म को सबमिट करना है, सर हम लोग को रजिस्ट्रेशन जो आपका इंटर्नशिप रिक्वेस्टेड फॉर्म है उसे किस तरह से फिलअप करना है, सर उसमें डेट क्या मेंशन करना है, हम लोग किस तरह से बोर्ड और नेट्स पर रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क क्वेश्चन ये था कि सर एडुकेशन गैप कितना अलाउड है, मेरे पास 1 ईयर का गैप है, 2 ईयर का गैप है, वो क्या अलाउड, उसके बारे में बात करेंगे। एग्रीगेटेड और सेमेस्टर वाइज सीजीपीए रिक्वायरमेंट मस्ट वॉच बिफोर सबमिटिंग पीडीएफ, ठीक है। तो यार इस वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखना, वीडियो को अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका इस ये क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब परसेंटेज कितना रिक्वायरमेंट होता है और आपका एजुकेशन गैप कितना है। फ्रेंड ये देखेंगे तो आपका मई में जो हायरिंग हुआ था ना एलिवेट 2 का, ये फ्रेंड उसका अपडेट, ठीक है। तो बहुत लोगों का कैंडिडेट जो कैंसिल हो रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो फ्रेंड ये मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ ये फ्रेंड आपका एलिवेट 2 का है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ये आपका एलिवेट 2 का है, ठीक है। आप जो नीचे पढ़ेंगे डियर कैंडिडेट दिस इज द विथ रिस्पेंस टू यू रिफरेंस टू योर टेक एम एलिवेट इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन सबसिक्वेंटली, मतलब आप लोग जब डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो और आपका वेरीफाइड नहीं होता तो आपको इस तरह का मेल देखने को आएगा, ठीक है। वी हैव गॉन द थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स एंड फाउंड दैट यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मीटिंग आवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन बिलो, हैंस वी कैन नॉट टेक योर कैंडिडेट अहेड फॉर द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। देखो फ्रेंड ये आपका एलिवेट 2 का था, जैसे हम लोग पहले बताया था ना आपको कि ये जो अभी करंट चल रहा है वो आपका एलिवेट 3 है, एलिवेट 2 नहीं है, ठीक है, ये आपका एलिवेट 2 का है। मिनिमम 60% रिक्वायरमेंट था इनका 10-12 ग्रेजुएशन में, और नो लॉस ऑफ एकेडमिक ईयर ऑफ फॉर वाट ओवर रीजन वंस जॉइन टू परस्यू अ कोर्स, मैक्स ऑफ 1 ईयर गैप बिटवीन एनी 2 कोर्सेज सिंस पासिंग SSC रिक्वायरमेंट कोर्स, मतलब एलिवेट 2 में टेक महिंद्रा ने 1 साल का गैप अलाउड किया था, ठीक है। और थर्ड केस में इनकमीडेट सेट वो छोड़ दो, इंपॉर्टेंट ये है आपका लाइन, ठीक है, 1 साल का इन्होंने गैप अलाउड किया था एलिवेट 2 में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एलिवेट 3 में उन्होंने क्या अपडेट करा है एजुकेशन गैप को लेकर। फिर जब आपने यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो ये आपका मेल जो है फिर 31st मतलब इस बार का है, ठीक है। इफ़ यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 60% इन ऑल एकेडमिक एंड नो लॉस ऑफ एकेडमिक ईयर एंड हैव नॉट अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट देन ओनली, मतलब कि एलिवेट 2 में एडुकेशन गैप 1 साल का अलाव इन्होंने करा था, बट एलिवेट 3 में इन्होंने एडुकेशन गैप को क्लोज कर दिया, मतलब कि अगर आपके पास 1 साल का भी गैप है यू आर नॉट एलिजिबल। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे सर मेरा तो लाइक मैं तो मेरा एडुकेशन गैप है सर तो मैं क्या मैं सबमिट करूँ। मैं आप लोग को एक बात यहाँ बता देता हूँ, अगर आपका एडुकेशन गैप 1 साल का हो या फिर 2 साल का हो, जिसके पास भी सिलेक्शन का मेल आया है टेक महिंद्रा की तरफ से, आप लोग सभी जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करना, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, जिसका 1 साल का गैप है जिसका 2 साल का गैप है, मेरी बातों को बस ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सभी को डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट में सर क्या क्या सबमिट करना है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी क्या बात मैंने कहा आपको, आप लोग सभी को सबमिट करना है, छोड़ दो वो आपको रिजेक्शन करता है नहीं करता इस पर मैटर मत करना। आप बोलोगे सर आप ये बात क्यों बता रहे हैं, मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। तो फिर आप लोग मेरे इस वीडियो को मैंने बनाया था फ्रेंड, ठीक है, मैं आप लोग को एक बार छोटा कर देता हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये फिर मैंने बनाया था वीडियो आपका 10 जुलाई को जब ये रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुआ था, तो फिर आप लोग देखिएगा इन्होंने इसमें जो उन्होंने अपलोड बनाया था तो उसमें फिर देखिए मैंने वीडियो बनाया था इसमें इन्होंने कहीं पर भी मैंसन नहीं किया था। आप लोग एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, हाँ मैं भी पढ़ ही रहा था वीडियो को पॉज करके, एक बार आप देख लीजिएगा यहाँ पर उन्होंने 1 साल या फिर 2 साल का एडुकेशन गैप का इन्होंने कहीं पर भी मैंसन नहीं किया, ठीक है। आप लोग इसी में बड़ा कर दिया, ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा कहीं पर भी इन्होंने मैंसन नहीं करा कि एडुकेशन गैप को लेकर इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं करा, ठीक है। अगर आप लोग को दिख जाता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ कहीं पर मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गया, जब टेक महिंद्रा को एडुकेशन गैप नहीं चाहता उनको इसमें मेंशन करना चाहिए था, इंस्ट्रक्शन एंड डिक्लेरेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन पर यह चीज़ मेंशन करना चाहिए था, यहाँ पर टेक महिंद्रा ने छोटा सा गलती किया है, ठीक है। आप लोग को मैं जो बोलना चाहता आप लोग को समझ में आया तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जब टेक महिंद्रा को गैप नहीं चाहिए तो बच्चे लोग अप्लाई क्यों करते हैं, आप लोग मेरी बातों समझ रहे हो ना। देखो हर कंपनी पहले ही बताती कि उन्हें गैप नहीं चाहिए, से एसेंचर 1 साल गैप अलाउड है, TCS सेम, तो यार टेक महिंद्रा को अपने आप रजिस्ट्रेशन में ये चीज़ मेंशन करना चाहिए था। और ये फिर रिकॉर्डेड वीडियो है, ये मैंने एडिट नहीं करा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ उन्हें मेंशन करना चाहिए था, अगर बच्चों को 1 ईयर गैप अलाउड नहीं है देन वाई टेक महिंद्रा डिडंट लाइक रिटर्न ओवर देयर लाइक 1 ईयर गैप इज़ नॉट अलाउड, या फिर इन्होंने मेंशन क्यों नहीं करा है, ठीक है। फिर आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं भी यहाँ पे मैं गलत हो जाऊँ क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 से 5 बार पढ़ चुका हूँ, यहाँ पर कहीं भी उस चीज़ मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग सभी सबमिट कीजिएगा, ठीक है।
भी उनका रिक्वायरमेंट आ जाए तो आपको वो हायरिंग कर ले, ठीक है, इसे बता रहा हूँ, सबमिट कीजिएगा। आपको सबमिट क्या क्या करना है तो मैं बता दूँ, पहले आपको एक बार देखेंगे तो सबसे पहले आपका इंटर्नशिप रिक्वेस्टेड फॉर्म मैं आपको दिखाने वाला हूँ, डली फिल्ड एंड साइन टेम्पलेट अटैच, आपको सिंपल एमएस वर्ड में कर देना, कोई दिक्कत देने की बात नहीं है। टेंथ का मार्कशीट देना है, मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट नहीं, ट्वेल्थ का मार्कशीट, ठीक है, आपका टेंथ ट्वेल्थ का मार्कशीट हो गया। ग्रेजुएशन डिग्री, अगर आपका प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, इफ डिग्री इज नॉट इशूड कौन सिलेक्टेड है, मार्कशीट, इफ डिग्री एंड पीडीसी बोथ आर नॉट इशूड, ओके। आप लोग सेमेस्टर जितने भी, अगर आपके पास पीडीसी नहीं है तो आपके पास जितने भी सेमेस्टर मार्क्स हैं सभी को अपलोड करना होगा, और आपका गवर्नमेंट आईडी कार्ड और आपका बोर्ड नेट रजिस्ट्रेशन आईडी, ये कैसे करना है और ऊपर वाला मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये सभी को आप लोगों को बेसिकली फोटो, मोबाइल से फोटो क्लिक कर लेना, ठीक है, एक डेस्कटॉप एक फोल्डर बनाना, सभी को फोटो जो आप क्लिक करते हो, टेंथ का मार्कशीट सेव कर दिए फोल्डर में, ट्वेल्थ का मार्कशीट फोटो खींचे से ये कर दिए, और ग्रेजुएशन का आप लोग चाहो तो लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर उनका भी आप लोग पीडीएफ से जेपीजी कन्वर्ट कर देना और उसको आप लोग एक फोल्डर में सेव कर देना, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर एट सेमेस्टर जो भी आपके पास है हो गया, उसमें फिर आपको आधार कार्ड अपना ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर जो लास्ट वन है ना, बोर्ड और नेट्स, ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपको नहीं देना है, देखेंगे तो इफ़ ऑलरेडी हैव एल्स रजिस्टर्ड थ्रू बिलो, यहाँ पर देखेंगे तो फिर आपका राइट नाउ एंड यू कैन प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब अभी आपको जो है बोर्ड और नेट्स का रजिस्ट्रेशन आईडी जरूरत नहीं पड़ रहा है, अभी आपको ये सबमिट नहीं करना है, या अगर आप चाहो तो एक टेस्ट फोल्डर में लेके दे सकते हो टेक्स्ट बना के, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक, यहाँ पर मेंशन कर दिया है, यू कैन प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ओके। और यहाँ पर आपको एक लिंक दिया रहेगा, बेसिकली आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। फिर अब हम लोग देख लेते हैं आपका कैसे भरना है। फिर आपको सिंपल इसमें आपको एक पीडीएफ रहेगा और इंटर्नशिप रिक्वेस्टेड फॉर्म का एक पीडीएफ रहेगा फाइल, ठीक है, उस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा, और यहाँ पर एडिट जैसे करेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे तो आपको साइन इन टू एडिट, मतलब आपको अगर आप एमएस वर्ड में कर रहे हो मोबाइल से तो एडिट कर लेना, और यहाँ पर आपका जो ये इसे पूरा हटा के आप लोग एमएस वर्ड में अपना नाम टाइप करना, डेटेड दिस ऑफ दिस ईयर, मेरे को एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, यहाँ पर आपका नाम लिखना है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मंथ यहाँ पर लिखा है ना, एवोल्यूशन प्रोसेस इन द मंथ ऑफ, आपका मंथ लिखना है जुलाई 2021, ठीक है। आई आपका नाम है रमेश कुमार, यहाँ ये पूरा ये ब्रैकेट को हटाना पूरा, ठीक है, रमेश कुमार, ठीक है, रमेश कुमार बोल्ड में रहने दीजिएगा, इसको बोल्ड में कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मंथ और ईयर है जुलाई 2021, इसको ब्रैकेट को हटा दीजिएगा। डेटेड दिस एंड दिस ईयर, मतलब आज का डेट जब आप सबमिट कर रहे हो उस दिन का डेट लिखना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आज का डेट हो गया आपका 30th of July, डे ऑफ 2021 ईयर, आपको यहाँ फुल सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर नाम, रजिस्टर ईमेल आईडी, जब किस ईमेल आईडी पर मेल आया है, और कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नेम, और पूरा आपका फुल एड्रेस होना चाहिए पिन कोड के साथ में, ठीक है। ये आपका हो गया इंटर्नशिप, आपका इंटर्नशिप रिक्वेस्टेड फॉर्म, इसको आप लोग पीडीएफ में सेव कर सकते हो, सॉरी पीडीएफ में नहीं, एमएस वर्ड में ही सेव करना, जैसे आपको अच्छा लगे पीडीएफ, या फिर अन्य न्यूनों पीडीएफ मेंशन करें तो पीडीएफ में ही एमएस वर्ड में जाके सेव एस पीडीएफ कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया इंटर्नशिप रिक्वेस्टेड फॉर्म। और फ्रेंड यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आपका अब कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। फिर इसका लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप इसको आपका जो इसका लिंक है वो जो लिंक है मैं वीडियो में आपको जो आप मेल रिसीव करेंगे उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको सिंपल यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपका रेडी है तो न्यू यूज़र पर न्यू अगर आपका है तो लॉगिन कर लेना है, या फिर आप लोग सिंपल रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हो फिर आपके सामने नया विंडो ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर एक आपका दिखा रहा है पेज ड्यू टू फॉलोइंग, लाइक आप एक बार रिफ्रेश कीजिएगा, मे बी इस तरह प्रॉब्लम वगैरह होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर आपका 5 सेकंड में जो है रिटायर्ड हो जाएगा। आपके सामने 4 स्टेप्स आएंगे, इजी टू रजिस्टर, ठीक है। आपको बस आपका डिटेल्स और भरना होगा, मैं चाहूँ तो भर के दिखा दूँ आपको, लेकिन पता है मुझे क्या होगा, मुझे पूरा पार्ट को ब्लर करना होगा और मैं वीडियो एडिट करता नहीं हूँ, ठीक है, मैं बस एक बार में रिकॉर्ड करता हूँ। फिर से मैं कर लेता हूँ, यहाँ देखो आ गया ना एलिजिबिलिटी चेक, आपको यहाँ पर नाम, यहाँ पर आपका स्टूडेंट आप कौन से हो, स्टूडेंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपका फिर गाइडलाइन क्वेश्चनरीज एंड गाइडलाइंस आपको यहाँ पर लिखना होगा, आप कहाँ से हो, जैसे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, ठीक है। आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग विदाउट बैकलॉग इन द ईयर 2021। आपका रेगुलर है कि पार्ट टाइम या डिस्टेंस है, तो आपका पार्ट रेगुलर होगा तो रेगुलर। हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिस प्रोग्राम एस्पेक्ट स्विच, नो। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस वन ईयर मोर, नो, ठीक है। कॉन्ग्रेट्स, यू आर नाउ एनरोल, ठीक है। आप फिर देखेंगे तो आपका मैंडेटरी क्या क्या लगने वाला, आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो जेपीजी में होना चाहिए, लेस देन 200 KB, आधार कार्ड, मैप्ड बैंक अकाउंट, ठीक है, आपका बैंक आधार और बैंक मैप्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री, फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक एंड बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, ठीक है। आई हैव डन, ठीक है। यहाँ पर सिंपल क्लियर, आपको यहाँ पर अपना ईमेल डालना है, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आपको सिंपल से फिर आपका ये आपका एनरोलमेंट फॉर्म आएगा, प्रीवियम कन्फर्म भी सबमिट कर देना है, ठीक है। ईजी है, आप लोग आराम से कर लेना, ठीक है। फिर वहाँ पर जैसे आप कर लोगे, आपका जब बन जाए फिर आपको लॉगिन करना है, फिर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसे आप लोग अपने पास रखिएगा, या फिर आप सेंड भी कर सकते हो पीडीएफ में, या फिर आप डायरेक्ट अपने पास रख सकते हो, जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो उसमें आपको देना होगा, ठीक है। और फिर जब आप लोग पीडीएफ बना लेते हो फिर देखेंगे तो आप कलेक्ट ऑल द अबव एजुकेशन डॉक्यूमेंट इन वन पीडीएफ फाइल एंड नेम इट एज, आपको नाम देना है, मान लो अपना नाम है रमेश कुमार, तो रमेश कुमार
फिर आपको आपको जो नाम देना होगा, फिर आपको मान लो अपना नाम है रमेश, ठीक है, ये आपका हेडिंग होगा, ईमेल का हेडिंग होगा, ठीक है, मान लो अपना नाम है रमेश कुमार, ये होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो फिर आपका नेम हाइफन एडुकेशन डॉक्यूमेंट हाइफन, यहाँ पर आपको लिखना होगा एडुकेशन DOCS, ओके, इफ़ योर नेम ABCD देन ABCD, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद सेंड टू, आप नाम मेंशन किया रहेगा, ठीक है, मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ, प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ठीक है, आपका नाम मेंशन किया रहेगा, आपको किस पर सेंड करना है, और सब्जेक्ट लाइन ऑफ मेल शुड बी आपका सब्जेक्ट, ये आपका रीनेम हो गया PDF को, इसको आपको रीनेम करना है PDF, ओके, PDF का नेम आपका होना चाहिए ये वाला, ठीक है, ये आपका हो गया PDF नेम, ठीक है। और हम लोग सेकेंड देख लेते हैं आपका डॉक्यूमेंट का क्या नाम, ये आपका जो मेल करोगे तो मेल का हेडिंग क्या होगा, हेडिंग, ठीक है, मैं आपको इस पर स्टार्टिंग दिखाऊँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मेल हेडिंग क्या होना चाहिए आपका, मेल हेडिंग मेड हो गया, मेल हेडिंग आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, हाँ, टेक एम एलिवेट 3, ठीक है, इंटर्नशिप EDUCATION एडुकेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको फिर स्पेस आपका जो ईमेल आईडी है, ठीक है, ईमेल आईडी स्मॉल में दे दीजिएगा papu@gmail.com, ठीक है, हो गया, इसे आपको सबमिट कर देना। कब सबमिट करना फ्रेंड, देखिए तो आपका रिक्वेस्टेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आर सेंड टू और सेंट और नॉट और बिफोर 31 जुलाई, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज इनकम्प्लीट और नॉट करेक्टेड, सब्जेक्ट लाइन इज नॉट एज पर द गिवन फॉर्मेट, रजिस्ट्रेशन एट इज नॉट कम्प्लीट बिफोर ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, दिस मेल सेड ओनली एल्स, ठीक है, यहाँ पर प्लीज नोट दैट योर कैंडिडेट शुड बी स्टार्ट कैंसिल, आपको किस किस केस में हो सकता है, आपको 31 जुलाई से पहले देना होगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आपको इनकम्प्लीट नहीं देना होगा, सब्जेक्ट लाइन आपका जैसे मेंशन किया गया है ऐसा ही मेंशन कीजिएगा अपना सब्जेक्ट लाइन, और आपका रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए नेट्स पे, अभी आपको सेंड नहीं करना है, वो आपको ज्वाइनिंग के समय देना है, ठीक है, और ज्वाइनिंग आपको बहुत जल्द हो जाएगा, इसमें कोई इंटर्नशिप नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया एडुकेशन के, बता दो फिर आपका आपका जो भी 10th 12th में 60% और ग्रेजुएशन में 60% या फिर 6.5 होना चाहिए, मतलब 60% से अबव होना चाहिए, ठीक है, और आपका जो भी आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना आपको समझ में आ जाएगा, आपका ये एग्रीगेट होगा पर सेमेस्टर वाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपका कोई एक्टिव बैकलॉग उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं है, हाँ आई थिंक एक्टिव बैकलॉग आपका ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर वगैरह कर लेना, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ आपका कवर अप कर लिया है, ठीक है, तो फ्रेंड आपके माइंड में आई थिंक ये वीडियो सर लंबा बन गया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे देना था, तो यार मिलते हैं, और होप करते हैं वीडियो को 20 बार समझ में आ गया होगा, आपके माइंड में अभी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।